हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर हेल्थ बेनिफिट को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लिप्स को यानी अपने होठों को सुंदर कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी विंटर्स यानी सर्दी आती हैं तो हमारे होठ फटने शुरू हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि हम अपने होठों को पहले जैसे खूबसूरत कैसे बनाए और पहले जैसे मुलायम, सॉफ्ट, इतने अच्छे कैसे बनाए जैसे हमारे पहले थे। लेकिन हम वो नहीं कर पाते, बल्कि हमारे होठ और फटने लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे होठ इतने फट जाते हैं कि हमारे होठों में से खून भी निकलने लगता है। अब आप इस टेंशन से फ्री हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी आसान सी रेमेडी लाई हूँ जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी, आपके लिप्स पर बहुत ही इफेक्ट करेगी और आपके लिप्स फटने बंद हो जाएंगे। जब भी सर्दी आएंगी, आप जब भी इस रेमेडी को यूज करेंगे तो आपके होठ कभी नहीं फटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। आपको चाहिए बस कच्चे दूध की मलाई आधा चम्मच। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसमें थोड़ा सा लेमन यानी कि नींबू का रस ऐड कीजिए, दो से तीन बूंद। 1, 2, 3। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसमें ग्लिसरीन ऐड कीजिए, इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर यानी कि गुलाब जल ऐड कीजिए। और फ्रेंड्स, अब आप इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। फ्रेंड्स, अब ये मिक्सचर आपका तैयार हो चुका है अच्छी तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स, जब आप ये मिक्सचर तैयार कर लें, इसे अपने लिप्स पर यानी कि अपने होठों पर अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, आप इसे रात को सोने से पहले अपने लिप्स पर इसकी अच्छी तरीके से अपनी फिंगर्स की हेल्प से मसाज कीजिए अपने लिप्स की, हल्के हल्के हाथों से। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसे लगाकर सो जाइए। फिर जब आप इसे डेली करेंगे तो ये आपके होठों को बहुत ही फायदा पहुंचाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हमारी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।